न्यूजीलैंड की जो टीम है ना उसका कप्तान बहुत खूबसूरत है, बिलावल भुट्टो भी आज खेलेगा और सिक्सर लगाएगा, मुझे पक्का एक जर्नलिज्म सिर्फ न्यूज कास्टिंग में महदूद है तो उनसे कहता हूँ कभी रिपोर्टिंग की दलदल में आ गए अब जो शेबी की तरफ जा रहे हैं फ्रास नहीं आ रहा है फ्रास किस दौर पे आया था यहाँ तो वो रिपोर्टिंग कर सकता है यहाँ तो साइको आराम देख सकता है जो फील्ड रिपोर्टिंग है वही असल चीज़ है जो आप कमरे में बैठ के सहाफत करते हैं चाहे आप प्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं या वैसे पढ़ते हैं वो समथिंग एल्स मीडिया के लोग और जो सहाफ़ी हज़रात हैं रिपोर्टर्स जो होते हैं जो आमतौर पर कैमरे पर नहीं आते कैमरे के पीछे होते हैं वो लोग यहाँ पर पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं और शायद उनको पानी का भी नहीं पूछा जाता कोई कुछ नहीं पूछा जाता कोई ख़ास इंतजाम नहीं होते यहाँ पर खड़े रहते हैं सुबह से लेकर रात तक जब तक मैच एंड होता है तो उन लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात है खुश है नहीं खुश उनकी कवरेज कैसी चल रही है तो आइए चलते हैं खातून रिपोर्टर है दुआ इनका नाम है 92 से इनका ताल्लुक़ है क्राइम के हवाले से पहचानी जाती है काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें देती है ये और ब्रेकिंग न्यूज़ भी देती है आज ये PSL कवर करने आई है तो इनसे क्या पूछें आप सर आप उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं जीतेगा तो न्यूजीलैंड जीतेगा देखिए इनका न्यूजीलैंड की जो टीम है ना उसका कप्तान बहुत खूबसूरत है बिलावल भुट्टो भी आज खेलेगा और सिक्सर लगाएगा मुझे पक्का एक देखिए ये मतलब कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये थक चुकी है रिपोर्टिंग कर करके क्योंकि खाने के ना इंतजाम है ना बैठने के ना आराम करने के ना मुंह धोने के कोई ख़ास इंतजाम नहीं है इसलिए इन्होंने PSL को न्यूजीलैंड कन्वर्ट कर दिया मेरा ताल्लुक है सिटी न्यूज़ नेटवर्क से अच्छा और सिटी 42 और 24 के लिए कर दिया यहाँ पे ठीक हो गया ड्यूटी पे है कब से आए हैं आप तकरीबन हम आ गए थे 4 बजे और मैच ख़त्म होकर जाएँगे तब तक आप इधर ही बैठे रहेंगे सियासत क्या करा है तो अल्लाह को दुआ करें अली मेरे दोस्त से पुराने कुलीग भी है अली कब से आप आए हुए भजन मैं तकरीबन कोई 4 बजे से 3 बजे से कह लेंगे मैं यहाँ पे आया हूँ तो कैसा लगता है अपनी फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए खड़े रहना इंतज़ार करना बैठना तो ये सब मुश्किल है आसान है बहुत मज़ेदार है मज़ा आता है क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसमें इंसान को मज़ा आता हो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों के साथ मुलाकात का मौका मिलता है दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिलता है टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है उन जगहों पर जाने का मौका मिलता है जहाँ पर कोई आम आदमी आसानी नहीं जा सकता फराज GNN से हैं ये और क्राइम रिपोर्टर है लेकिन आज स्पोर्ट का इवेंट PSL को कवर करने आए फराज से पूछते हैं सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं रिपोर्टिंग कैसी जा रही है क्या मसाइल पेश आते हैं क्राउड कैसा है आज और PSL कितने हद तक कामयाब जा रहा है मैं टॉपिक खा रहा हूँ सॉरी इसके लिए देखिए सलीम के PSL का जो 5वां सीज़न है वो पाकिस्तान में हो रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा जुमे को यानी अब मैच था PSL का लाहौर शहर में तो मेरा आना नहीं हुआ इधर लेकिन आज मैं आया हूँ और आज का जो क्राउड है वो इतना को खास मुझे देखने में नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं फैमिलीज के साथ भी हैं बच्चे भी हैं बड़े भी हैं मर्द खवातीन सब शामिल हैं लेकिन जो ज़ोर शोर देखने में नज़र आता है वो नहीं देखने में नज़र आ रहा है आमतौर पर समझा जाता है कि साफ़ी अफराज जो होते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए एक अलग एक मीडिया डेस्क बनाया जाता है वहाँ पर खाना दिया जाता है उनको वहाँ पर सोफे दिए जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल सही कहा ये देखिए ये देखिए कलर्ड सोफे हैं उसके पीछे देखें टेबल लगे हुए हैं जहाँ पे कैमरे हैं आप कहीं पर भी बैठ जाएं लेट जाएं बेड लगे हुए हैं जो नए आने वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ अपने कंटेंट को फोकस करें कंटेंट राइटिंग की तरफ आए प्रोडक्शन की तरफ आए बीइंग अ रिपोर्टर अगर आप लगता है बहुत ज़्यादा फैंटेसी है आपके लिए आ रहे होते हैं और टीवी की नज़र भी आ रहे होते हैं वैसे कोई बात नहीं है कोई फैंटेसी नहीं है अब डिजिटल दौर है लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर सिटीजन जर्नलिज्म आजकल बहुत ज़्यादा इन है तो अगर इफ़ यू आर गोइंग विद दैट तो फिर आपको जर्नलिज्म एथिक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कोई ख़ास इंतजाम किए गए ये जो बाहर रिपोर्टर बैठे हैं यहाँ पर जो लोगों को सिक्योरिटी को कवर कर रहे हैं और आने वाले लोगों को उनके जज्बात जो है वो सामने लेके आ रहे हैं लोगों तक पहुँचा रहे हैं उन लोगों के लिए कोई इंतजाम किए गए BCB की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग स्पोर्ट्स की लीड करते हैं उनको तो एंटरटेन करती है BCB लेकिन जहाँ तक और वाला बात करें इंतजाम की वो एक रिपोर्टर ने वॉर जोन में भी जाके वॉर कवर करनी है तो वहाँ पर वो अरेंजमेंट्स इंतजाम अपना आराम आसाइज नहीं देता बिल्कुल क्राइसिस रिपोर्टिंग भी करता है वॉर रिपोर्टिंग भी करता है चाहे वो किसी इवेंट पर खड़ा है चाहे किसी जलसे में चाहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
या तो वो रिपोर्टिंग कर सकता है या तो एफआई को आराम देख सकता है। रिपोर्टर बनना है आपको, रिपोर्टिंग करनी है, जर्नलिज्म करनी है, तो एफआई शो को जो आप समझते हैं, आप सोच रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। आपको हर सिचुएशन में खुद को फिट करना होगा, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग काफ़ी हैं, कुछ हमारे दोस्तों के पास बने हुए मतलब खाना खाएंगे, लेकिन क्योंकि हम बाहर हैं तो खाने की मुश्किल है, तो बैठे रहेंगे। अब ये मेरे ख्याल से टॉफियाँ काफ़ी ज़्यादा हमें मिल गई थी, तो अब ये टॉफियों पर गुजारा कर रहे हैं। थैंक यू, मुझे अली ने टॉफी दी है। अली वैसे क्राइम के रिपोर्टर है लेकिन स्पोर्ट्स को आज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह जितनी भी है उसके लिए, सिक्योरिटी वो बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्राइम रिपोर्टिंग में मज़ा आता है या स्पोर्ट्स? क्राइम रिपोर्टिंग जो बिल्कुल डिफरेंट है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की निस्बत, तो क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सी मुश्किल भी पेश आती है, जबकि स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग जो है उसमें हमें बहुत इन्जॉयमेंट भी मिलती है। ये बिल्कुल इस वक्त प्रोफेशनली बोल रहे हैं। देखिए जर्नलिज्म करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे है कि ना समझा यही जाता है कि रिपोर्टर्स के बारे में कि बड़ी आसान चीज़ है रिलैक्सेशन, लेकिन नोट अ पीस ऑफ केक। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सारा सारा दिन एक पॉइंट पे खड़े हैं, एक वजीर के लिए खड़े हैं, ठीक है, जो आ रहा है वो किसके लिए खड़े हैं? अब आवाम तक कोई ना कोई खबर पहुंचाने के लिए, ताकि उनको अवेयर करने के लिए। अब PSL है, आप PSL की बात करें मसलन, अब हम यहाँ पे सुबह 12 बजे से खड़े हैं, सुबह 12 बजे से खड़े हैं और 12 बजे यहाँ मैच खत्म होगा, और यहाँ से हम किसके लिए खड़े हैं कि जो शाइकिंग निकलेंगे उनके क्या तासुरात होंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पाकिस्तान का एक शॉर्ट इमेज किस तरह बाहर जाएगा, किस तरह प्रमोट हम अपने कल्चर को करेंगे, अपनी क्रिकेट को किस तरह प्रमोट करेंगे। तो जो लोग ये समझते हैं कि जर्नलिज्म सिर्फ एंकरिंग तक महदूद है या जर्नलिज्म सिर्फ न्यूज़ कास्टिंग तक महदूद है, तो उनसे कहता हूँ कभी रिपोर्टिंग की दलदल में आकर आपको पता चले, कभी रिपोर्टिंग की दलदल में आकर देखें कितना दर्द इनके आवाज़ में। क्राइम कौन सी रिपोर्टिंग कोई ऐसी स्टोरी जो आपने सबसे पहले ब्रेक की हो, आपको याद हो कि यार बस में छा गई? नए आई जी पंजाब आए थे और उन्होंने अपनी सेरेमनी में उल्टे बाजू से कर सर्विस पाती, ठीक है, तो वो स्टोरी वो तो फिर पड़ी आपके पास। हाँ हाँ, हालात कैसे हैं मीडिया के? मीडिया के हालात तो बड़े टाइट हैं आजकल, डाउनसाइजिंग चल रही है, आपको भी पता है बहुत ज़्यादा हालात में हैं, वो टाइट हैं। अलबत्ता अगर आपको काम आता है, आप मेहनती हैं, तो फिर अदारा तो आपको कभी नहीं निकालेगा। सर रिपोर्टिंग करना ग्राउंड पर और कमरे में बैठ कर एसी में बैठ कर खबरें पढ़ना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फर्क। कैसा फ़र्क है? नए आने वाले स्टूडेंट्स को आप बताएं कि रिपोर्टिंग क्या है और कमरे के अंदर बैठ कर स्क्रिप्ट पढ़ना वो क्या है, वो सहाफत है या ये सहाफत है, फ़र्क क्या है, थोड़ा सा इसको बात। देखिए मैं बहसीत रिपोर्टर, मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मेरा एक फील्ड एक्सपीरियंस है, मैं फील्ड में हमेशा जर्नलिज्म में बिलीव रखता हूँ और मैं मुख्य यूनिवर्सिटियों में पढ़ा भी रहा हूँ रिपोर्टिंग। स्टूडेंट्स को यही हमेशा बताया जाता है कि जो फील्ड रिपोर्टिंग है वही असल चीज़ है। जो आप कमरे में बैठ के सहाफत करते हैं, चाहे आप प्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं या वैसे पढ़ते हैं, वो समथिंग एल्स। आप जब फील्ड में जाएंगे आपको असल हकीकत पता चलेगी। हमारे साथ यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, तो ये बेचारे 6-6, 7-7 घंटे से आए हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए एक बुलेटिन आ रहा है, 3 बजे हो रहा है, 6 बजे बुलेटिन हो रहा है, उसमें 4-3-2 मिनट का बीपर होता है, उसके बाद ही यहाँ पर बैठे होते हैं। तो सिक्योरिटी वाले जो यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, दीगर असास इदारे के जो यहाँ पर लोग तैनात हैं, उनके साथ साथ जो मीडिया पर्सन हैं उनकी भी ड्यूटियाँ ऐसी हैं कि वो सुबह से टीमें यहाँ पर डिप्लॉय हो जाती हैं, सुबह 8-9 बजे यहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है, और जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाएगा, टीमों की कज़ाफी स्टेडियम से होटल वापसी नहीं हो जाती, उस वक्त तक सारे मीडिया पर्सन जो है वो यहीं पर मौजूद होते हैं। तो बड़ा टफ काम है जो मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नए लोग आ रहे हैं मीडिया में, बहुत मुश्किल भी हैं, लेकिन ये है कि जो मेहनत करता है उसे ज़रूर मेहनत का फल मिलता है। इस वक्त तो जो सूरत हाल है मीडिया की वो काफ़ी टाइट हो गई है आपको भी पता है, लेकिन ये है कि आज से 5-10 साल पहले बड़े अच्छे हालात थे मीडिया के, मीडिया ग्रो कर रहा था, नए नए चैनल्स भी आ रहे थे, तो लोग विलिंगली और खुशी भी इस फील्ड में आ रहे थे, लेकिन अब चूँकि हालात जो हैं वो काफ़ी मतलब टाइट हो चुके हैं, तो लोग जो है ना वो दूसरी तरफ जो सेकंड ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक हो गया, आमतौर पर कैमरा मैन को लोग दिखाते नहीं हैं, तो आपका तालुक कहाँ से है? जी सफदर है, जियो टीवी के सफदर साहब हैं। सफदर साहब का कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मोस्टली भी 15 साल हो गए। 15 साल हो गए कैमरा पे काम करते हुए, तो कभी कैमरे के सामने भी आए हैं आप? उधर कोर्स पर भी मेरी मैं पीपर भी देता हूँ, लाइव पीपर भी, एज लाइव भी सब।
वेरी गुड ठीक है तो यानी कि अगर आज के वाले से बात करें मतलब सीरियस नोट तो हम ऐसा हुआ कि मैंने पिछले भी तमाम मैचेस कवर की है लेकिन मैंने आज देखा कि क्राउड बहुत ज़्यादा कम है. कल वर्किंग डे था इसलिए हमें लग रहा था कि शायद आज क्राउड हो तो सैटरडे नाइट है और 12 बजे तकरीबन मैच खत्म होता तो उस पर यही कह रहा था कि आज क्राउड होगा लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हमें कम नज़र आए और इवन बीपर देते वक्त बड़े मुश्किल हुई क्योंकि हमने ये बताना था कि जी बड़ा हल्ला गुल्ला है लेकिन बीपर किसको कहते हैं बीपर जो ये लोग कैमरे के सामने खड़े होकर लाइव बोलते हैं उसको बीपर कहा जाता है. ठीक है तो कैसे देख रहे हैं मीडिया के हालात जो जो एक पसमानदगी तो आ चुकी है पता नहीं क्या बनना है कि हम तो जो भी नेक्स्ट आने वाले लोगों को तो मशवरा देंगे कि फील्ड में ना कोई और काम करें. आज 7 बजे मैच शुरू हुआ था हम 4 बजे तो आए हैं आज अब रात को 12 बजे अंदर 12:30 और आपके लिए सिर्फ 8 से 9 मिनट की वीडियो बनाई यही है ना मैक्सिमम मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ऐसी है बड़ी बात नहीं कर रहा. आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं उर्दू क्रिकेट का एंकर हूँ और मेरे से मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा टफ जॉब जो है वो हमारी है. क्यों? आप देख सकते हैं हम अब 3 से 4 घंटे हमने स्टेडियम के बाहर बैठना है और यहाँ पे कोई इतने अच्छे इंतजाम नहीं किए गए. पीसीबी उन लोगों को नवाज रहा है जिन जो पीसीबी के वो कहते हैं ना खातिरदारी करते हैं पीसीबी के अब पंजाबी जबान कहते हैं ना कि उन्होंने चुकते ने पीसीबी अपने जो सीनियर एंकर हैं उनको नवाजता रहता है उनको कार्ड बना देता है. जो अरबपति एंकर हैं मैं अरबपति एंकर की बात कर रहा हूँ अरबपति एंकर कौन है जो एसी में बैठ कर रात को 7 बजे शुरू हो जाते हैं 11 बजे हुकूमत गिराते हैं और सुबह फिर खड़ी हो जाती है हुकूमत उनकी. बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको पीसीबी सपोर्ट करते हैं जबकि मेरे 18 लाख सब्सक्राइबर हैं. आज रश कम क्यों वजह क्या है रश कम है ना कल भी लाहौरिये जो हैं वो जिंदा तलाने लाहौरी जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं लिहाजा आज क्योंकि लाहौर कलंदर का मैच नहीं है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है तो इसलिए लोग जो हैं वो बहुत कम जिंदा तलाने लाहौरी जो हैं वो घरों से निकले हैं आज रश इसलिए कम देखने को मिल रहा है. जर्नलिज्म मेरे मुताबिक है क्या जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. ठीक है ठीक है सबसे पहले आपने सी द वर्ल्ड आपने दुनिया को देखना है दुनिया को ऑब्जर्व करना है और लोगों को बताना है. जब तक आप दुनिया को नहीं देखेंगे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम हकायक से बता नहीं सकते लोगों को कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है. मैं यहाँ पे फील्ड में खड़ा होकर बता सकता हूँ कि भाई कदाफी स्टेडियम से बाहर खड़ा हूँ सिक्योरिटी के ये इंतजाम आ रहे हैं लोग इस तरह आ रहे हैं. अगर मैं बंद कमरे में एसी के नीचे बैठ के बताऊँगा कि फुटेजेस दे दे के ये मसला है हमें जो है वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कमरे में नहीं पता चल सकती जो आप आते फील्ड में कीनली ऑब्जर्व कर आप न्यूज़ नेटवर्क उसमें मैं एक एम्प्लॉय हूँ कैमरा मैन. ठीक है कितना अर्सा हो गया आप इस फील्ड में आप देखने से अब तक 2005 में जंग में आया था 2005 में जंग में जगतवार में वहाँ पे देखा जो पड़ा कैमरा मैन निका और आज देख लें 2003 से कैसे हालात आज और 2005 के हालात पहले माली हालात आपके माली हालात देखें कभी किसी के बुरे नहीं होते कुछ किसी की किस्मत ख़राब हो तो ठीक है. जो क्राइसिस अभी 2020 में मीडिया पे चल रहे हैं वो सब मैं उसमें शामिल हूँ आप उसका शिकार मैं उसकार हूँ लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि निकलूँ और निकल रहा हूँ. नशे को फ्रास देते हैं अब जो नशे भी की तरफ जा रहे हैं फ्रास नहीं आ रहा है. फ्रास किस दौर में आया फ्रास जब 2010 तक तकरीबन फ्रास था 11-12 में भी था उसके बाद से फिर कंटिन्यू नशे भी आना शुरू हुआ है अब तक नशे की तरफ जा रहा है. सहूलियात दी जाती है रिपोर्टिंग में हाँ सहूलियात तो जिलो जैसे अदारे में जो प्राउड ऑफ जियो मिलती है सहूलियात आपको नो डाउट अदर दूसरे चैनल्स की नस्बत जियो बहुत बेहतर है. पिछले 4 घंटे पर आप लोग खड़े हैं तो आप लोग के लिए कोई सहूलियात का इंतजाम किया जाता है? खाने के हवाले से तो कोई नहीं ऐसे इंतजाम किए कि अलबत्ता चाय ज़रूर मिल रही है क्योंकि चाय का जो होता है वो सहाफ़ी से बड़ा गहरा रिश्ता होता है तो चाय ज़रूर मिल रही है यहाँ पर ये फैमिली है यार. वैसे मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि यहाँ पे मेरे पीछे एक मिनट देखिए यहाँ पे मैं गाड़ियाँ दिखा भी देता हूँ 10 से 12 गाड़ियाँ एक गाड़ी में 5 हमला होता है ड्राइवर कैमरा मैन केबल बॉय डीएसएनजी इंजीनियर और रिपोर्टर होता है. ठीक है सब एक साथ ही यहाँ पे बैठते हैं खाना भी खाते हैं गपशप भी लगाते हैं सिगरेट भी पीते हैं पानी भी पीते हैं तो टाइम इस तरह इनका गुजर जाता है. तो प्लीज़ इनको दरसात और सहाफत में इनको ना शामिल कर दिया जाए इनकी तनख्वाहें होती हैं महदूद तनख्वाह होती है बस एक गुजारे की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं फिर भी उसके ऊपर जिस कैमरा मैन से हम बात करेंगे वो अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं. तो ये एक अच्छी बात है
حالات خراب ہیں لیکن بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتر ہو جائے گی ان شاء اللہ. کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہوگی لیکن خوف رہنی چاہیے، امید رہنی چاہیے، ان شاء اللہ ہو جائے گا.